स्वागत है आपका न्यूज 19 पे। मैं प्रत्यक्ष सर आप लोगों के साथ, आइए नजर डालते हैं खास खबरों की। सामरले जयपुर में पर्यटन नगरी में होली मेले का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया गया। पर्यटन और धार्मिक नगरी सांभर लेक में हर वर्ष आयोजित होने वाले होली महोत्सव का देर रात भगवान नंदकेश्वर की महाआरती के साथ समापन हुआ। कस्बे में 1500 वर्ष से चली आ रही परंपरा के अनुसार विधिवत रूप से भगवान नंदकेश्वर की सवारी निकाली गई, जहां घर घर लोगों ने भगवान नंदकेश्वर की सवारी की पूजा अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इस नंदकेश्वर मेले में हजारों की संख्या में लोग सवारी के पीछे चंग और ढोल थाप पर झूमते गाते नजर आए। वहीं पुरानी धान मंडी स्थित रामलीला रंगमंच पर भगवान नंदकेश्वर को देखने के लिए हजारों की संख्या में महिला पुरुष और बच्चे डटे रहे। लोगों ने नंदकेश्वर की सवारी पर जमकर पुष्प वर्षा की और होली के पर्व पर आनंद लिया। इस दौरान मेले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जयपुर ADM, जयपुर ग्रामीण SP सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कालवाड़ी के हिंगोलिया रोड पर बड़ा हादसा कल देखने को मिला। कालवाड़ के हिंगोनिया रोड पर बड़ा हादसा देखने को मिला। घुमाव के अंदर तेज गति से आ रहे ट्रॉले के हुक खोलने से दो हिस्सों में बटा, जिसकी वजह से ट्रॉली की कैबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं घायल को 108 एम्बुलेंस संचालक राजेंद्र चौधरी व मुकेश चौधरी ने घायल का उपचार कर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मौके पर आकर क्रेन की सहायता से ट्रेलर को रोड से भी हटाया। 12वें अंता के समीप कल मुख्य नहर में 50 वर्षीय व्यक्ति का तैरता हुआ शव पाया गया। बारा जिले के अंता के समीप दाई मुख नहर में मुंडली के पास 50 वर्षीय एक युवक का तैरता हुआ शव मिला। मृतक की पहचान उसके जेब से मिले ड्राइवर लाइसेंस के आधार पर अंता निवासी मुन्ना पुत्र आशेश्वर झा के रूप में हुई। हेड कांस्टेबल हुसैन मोहम्मद ने सीसवाली थाने से सूचना के आधार पर बताया कि दाई मुख्य नगर में शिव कॉलोनी निवासी मुन्ना झा का तैरता हुआ शव मिला है। इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों को सूचित भी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।